गाइस फाइनली जो है अपना चैन सेट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम मोटर चैनल। तो फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग अपना होने वाला है कुछ ट्रेंड के ऊपर और कुछ डिटेल के ऊपर। तो आजकल जो डिटेल में चल रहा है ना यार, तो हमारे जो R15 वाले हैं या जिनकी प्लेट नंबर जो आजकल फ्रंट में आ रही है ना, और वो भी मिरर के साथ में, तो आजकल वो लोगों को ना पसंद नहीं आ रही। तो हमारे R15 वाले क्या करते हैं कि नंबर प्लेट हटवा के या तो लिखवा लेते हैं या उसको कहीं और एडजस्ट कर देते हैं। वो चीज़ यार इलीगल हो जाती है। तो इलीगल ना हो, मैं आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर आज डिटेल में बताने वाला हूँ, जो हमारी नंबर प्लेट अच्छी जगह पर लग जाएगी गाइस। तो कुछ लोगों ने करवाया भी है और कुछ लोग करवा भी लेंगे इस चीज़ को देख के। तो अभी तक सबसे पहले जाके आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एक ही चीज़ मांगते हैं यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एक सपोर्ट ही मांगते हैं आप लोगों से। फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो बस। तो मैं आप लोगों को बाइक को दिखा दिखा के आपको हर चीज़ जो है डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं फटाफट से बाइक की तरफ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो मैंने जैसे आप लोगों को बताया जो प्लेट हमारी यहाँ पे आती है ना, तो जो फ्रंट लुक है ना यार, थोड़ी सी ना ख़राब हो जाती है। एक्चुअल में क्या है ना, स्पोर्ट या सुपर बाइक आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें सिर्फ मिरर मिरर नज़र आते हैं। ये नंबर प्लेट हमेशा हटी हुई होती है, या तो लिखी हुई होती है या यहाँ लिखी होती है। तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो अभी जो है ना, हम इस प्लेट को यहाँ से खोलने वाले हैं। जो ये दोनों बिट्स है ना, ये अभी हम दोनों खोलने वाले हैं। ये खुल जाएगी, उसके बाद हम इसका जो नीचे वाली रिपट है, नीचे वाला स्टैंड है, इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको इसी के साथ ऊपर चिपका देंगे। तो देखते हैं उस चीज़ के बाद कैसा लुक आने वाला है। अभी के लिए लुक ऐसा आ रहा है। तो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमने चैन भी क्लीन करनी है इसका। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है अभी, मिरर हटा के और नंबर प्लेट को हटा के। कैसी आ रही है लुक, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा फुद्दू लग रही है देखने में, क्योंकि मिरर के बिना बाइक बिल्कुल ही अधूरी लगती है। साइड लुक कुछ ऐसा आ रहा है अभी। तो साइड लुक से वैसे देखा जाए तो ना काफ़ी अग्रेसिव सी लग रही है, मतलब कि आगे से ना जो है काफ़ी बेस्ट लुक लग रही है। तो फटाफट से अब नंबर प्लेट दिखाता हूँ मैं कहाँ लगाने वाला हूँ। तो नंबर प्लेट अपनी लगने वाली है यहाँ पे, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये अपनी नंबर प्लेट, इसको हम यहाँ पे जो है ना सुराख करके इसको यहीं पे एडजस्ट कर देंगे। नंबर प्लेट फिर हमारी जो है बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। हमने जो है नंबर प्लेट को देखो कैसे मोड़ दिया, कर्व कर दिया है, ऐसी जो है ना इस फेयरिंग की लुक है। देखो ये यहाँ से कर्व हो रखा है ना पूरी तरीके से, तो हमने इसकी तरह इसको सेम मोड़ दिया। देखो ये कुछ ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगी। तो ये एक सुराग यहाँ हो जाएगा, एक सुराग यहाँ हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे निशान मार लेते हैं जिस पे हमने सुराग कर रहे हैं दोनों तरफ। तो ये हमारे दोनों सुराग लग गए, हम यहाँ सुराग मार देते हैं। अभी के लिए लुक कुछ ऐसी नजर आ रही है, बिल्कुल ही प्लेन हो गई है ना, मतलब कि जो लुक आ रही है ना सब पूरी सुपर बाइक वाली लुक आ रही है। देखो ये कुछ साइड लुक है और ये साइड से कुछ ऐसी लुक है। तो अभी मिरर लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी लुक इस बाइक की होने वाली है। फाइनली गाइज कुछ ऐसी लुक आ रही है अपने मिरर लगने के बाद। तो बिल्कुल ही ना एंजल टाइप जो है ना बाइक लग रही है। कुछ हमने टेपिंग कर रखी है लाइट के ऊपर, जो मास्किंग थोड़ा सा ना हैवी लुक दे रही है, और मिरर लगने के बाद तो कुछ हैवी लुक आ रही है इसके अंदर। तो खोलने के बाद जो है कुछ ऐसी लुक है। तो मैंने ये किसी सुपर बाइक में देखा था, तो मैंने ये चीज़ को अपनी बाइक के ऊपर कन्वर्ट किया। तो अब क्या है, हम इसकी जो चैन के ऊपर काम करेंगे। चैन काफ़ी इसकी गंदी हो रखी है और ना कचर कचर की आवाज़ आ रही है, तो उसको साफ़ करते हैं। उसके ऊपर फिर ऑयलिंग वगैरह जो भी करनी है उसको करते हैं। मैं वो करते हुए आपको लोगों को दिखाऊँगा कैसे आप अपने घर पर रह के उसको आराम से या ईज़िली आप क्लियर कर सकते हो।
तो चैन की हालत अभी आप लोग देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है अभी। हालत जल्द मतलब कुछ ही टाइम पहले हमने जो है ना ये चैन सेट इंस्टॉल करवाया था अपने पास। देखो एक तो ये लूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और गंदी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले इसको साफ़ करते हैं उसके बाद इसको टाइट करवा के आएंगे मार्केट में। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. गाइस फाइनली जो है अपना चैन सेट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसमें हमने चैन स्प्रे भी कर दिया तो अब ये है ना तो काफ़ी दिन तक हमारे को राहत रहेगी क्योंकि काफ़ी कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी तो अब नहीं आएगी। चैन स्प्रे कर दिया तो वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस कैसा था आज का ब्लॉग? आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और थोड़ा सा लुक जो है आपको बाइक का आज डिफरेंट लग रहा होगा कि हमने जो नंबर प्लेट है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वाइजर में कन्वर्ट कर दिया है। हमने जो उसका स्टैंड है वो हमने उसको निकाल दिया। चैन मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ मैंने कैसे साफ़ किए। जो हमारा तारपीन का तेल आता है जो पेंट में जो है ना डलता है, तो जो तारपीन का तेल बोलते हैं उसको 40-50 रुपये की बोतल आती है, तो आप उसमें कहना 3-4 बार अपनी चैन को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो गाइस। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों का इस चीज़ के अंदर पैसे बचेंगे और कंपनी में जाके आपके जो 1,500 रुपये लगते हैं वो बचेंगे। तो छोटा सा काम है, आप घर बैठ के आराम से कर सकते हो और जो चैन जो प्लेट वाला ये भी आप घर पर बैठ के आराम से कर सकते हो। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना गाइस। मेहनत बहुत लग रही है, रात ज़्यादा हो गई है, बहुत टाइम लग गया इस चीज़ को करने के लिए। चलो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, कुछ नया लगेगा गाइस।